चंदौली मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया। चंदासी स्थित ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस सप्लाई करने वाली इंडियन एयर गैस लिमिटेड फैक्ट्री में काम करने के दौरान ब्लास्ट हो गया। घटना में 3 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को वाराणसी स्थित निजी चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। घटना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के चंदासी इलाके में फैक्ट्री संचालित है, जहां बुधवार की सुबह ही रिफिलिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया, जिसमें 3 मजदूर घायल हो गए। आनन फानन में तीनों को वाराणसी स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसमें प्रयागराज निवासी ऑपरेटर विजय बहादुर और चंदौली के राजेश कुमार और शिवराज यादव शामिल है। बताया जा रहा है, ये गैस फैक्ट्री 1963 से संचालित हो रही है, लेकिन यहाँ इस्तेमाल किए जाने वाले सभी इक्विपमेंट पुराने और जर्जर हैं, और आज भी गैस रिफिलिंग में उन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा था। घटना स्थल पर फैक्ट्री की तरफ से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले पर बोलने को तैयार ही नहीं है। बाद में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में देखने वाले कर्मचारी ने बताया, सुबह 5 बजे की घटना घटी है, जब 3 मजदूर सिलेंडर रिफिलिंग का काम कर रहे थे, उसी दौरान ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना भयानक था, फैक्ट्री पर लगी छत उड़ गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर डिपार्टमेंट में अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। पहले तो फायर अधिकारी भी मीडिया से बात करने से कतरा रहे थे, हालांकि बाद में उन्होंने बताया मामले में गैस बैक होने की वजह से ब्लास्ट हुआ है। मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो फैक्ट्री में एलपीजी गैस और एसिटिलीन गैस की मिलावटखोरी की भी बात सामने आ रही है। यही नहीं, इस हादसे के पीछे भी दबे जुबान मिलावटखोरी की ही बात कही जा रही है। क्या मिला है आप यही बता दीजिए, क्या यहाँ क्या आए मिला थे, है? आप भेजे गए थे सर, आप क्यों क्यों नहीं बता रहे मीडिया को? जहाँ एसिटिलीन का इनका प्लांट है रिफिल करने का, उसका जो चेम्बर है उसमें कैल्शियम कार्बाइड डालते समय इनके में विस्फोट हुआ। क्या जो है उस विस्फोट से एक दो आदमी जो है झुलसने की जानकारी फर्म वालों ने दी। तीन लोग हमको बताया, 3 लोग बुरी तरह घायल है, सिंह मेडिकल में इलाज चला है। मसला ये है कि ब्लास्ट हुआ है, अगर आप गए होंगे देखेंगे करकट उड़ी है। तो जो जहाँ कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं वहाँ से जो बैक फायर मारा वो गैस बनाया है, जिसके वजह से उनका जो है सीमेंट का सीट उड़ गया है। एक और चीज़ प्रकाश में आई है यहाँ पे CFO साहब, बातचीत के दौरान जो यहाँ के GM दीक्षित, उन्होंने बताया कि ये रोज 20 सिलेंडर LPG के मंगाते थे बाहर से, और वहाँ उसकी रिफिलिंग कर रहे हैं, मतलब डुप्लीकेसी होती थी एसिटिलीन की, ये उन्होंने स्वीकारा है चंद पैसों के लिए।